नमस्कार, मैं रुजा। ऐसी भी क्या जल्दी है अमीर बनने की, जब पति हो साथ तो गलत पत्नी करे अच्छे अच्छों को बर्बाद। जब पत्नी गलत हो, गलत काम करती हो और ऐसे में उसका पति उसका साथ देता हो, तब उसका टैलेंट और भी खूबसूरती से निखरता है गलत काम करने में। लोग उसे पहचान भी नहीं पाते हैं कि वो कितनी किस हद तक गलत हो सकती है। नजर और तस्वीर, खबर आपके सामने है। पति के साथ बनाया प्लान बिजनेस मैन के साथ होटल में रुकी और फिर नम्रा कादिर ने जो किया सबसे बड़ा खेल, हुस्न का जाल और हनी ट्रैप की साजिश। कौन है नम्रा कादिर जिसके जाल में फंस गया बिजनेसमैन? नम्रा कादिर का पर्दाफाश उस वक्त हुआ जब 24 नवंबर को एक व्यापारी ने गुरुग्राम के सेक्टर 50 थाने में उसके खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई। नम्रा कादिर पर एक व्यापारी से 80 लाख रुपए ऐंठने का आरोप है। एक बिजनेसमैन की शिकायत के बाद पुलिस ने नम्रा को सोमवार की देर रात दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया। नम्रा कादिर को फिलहाल 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। वो अपने पति के साथ मिलकर ये हनी ट्रैप का काला धंधा करती थी। नम्रा कादिर पर आरोप है कि उसने बिजनेसमैन को हनी ट्रैप में फंसाकर उससे 80 लाख रुपए की वसूली की थी। इस काम में कादिर का पति भी शामिल था। नम्रा कादिर के यूट्यूब पर 6 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। व्यापारी ने अगस्त महीने में पुलिस को दी गई शिकायत में कहा था कि वह काम के सिलसिले में नम्रा कादिर नाम की युवती से सोहना रोड पर स्थित एक होटल में मिला था। उसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई थी। उसने कहा कि वो उसका साथी है। उन्होंने मुझसे मेरी फर्म में काम करने के लिए 2 लाख एडवांस की मांग की। नम्रा से पहले से परिचित होने की वजह से मैंने 2 लाख रुपए दे दिए। जब एड का काम लाया तो उन्होंने 50,000 की और मांग की, लेकिन उन्होंने मेरा काम नहीं किया। नम्रा ने साजिश की और इस साजिश के तहत उसने कहा कि वो उसे पसंद करती है और शादी के बंधन में बंधना चाहती है। कारोबारी ने माना कि वो उसे पसंद करता था, इसलिए दोनों साथ साथ रहने और वक्त गुजारने लगे, लेकिन नम्रा का पति भी उनके साथ साथ ही रहता था। कि व्यापारी ने पुलिस को बताया कि एक दिन क्लब में पार्टी के दौरान नम्रा और बेनीवाल ने उन्हें शराब पिलाई। होटल बुक करने के बाद तीनों एक कमरे में सो गए। सुबह उठने पर नम्रा ब्लैकमेल करने लगी, रेप केस में फंसाने की धमकी देने लगी। अब तक कुल 80 लाख रुपए की वसूली कर चुकी है। इस मामले में कादिर का पति और सह आरोपी मनीष अभी फरार चल रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।